नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मांड पुराण के विषय में बताऊंगा कि ब्रह्मांड पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, ब्रह्मांड पुराण में क्या वर्णन मिलता है और ब्रह्मांड पुराण में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको एक महत्वपूर्ण पुराण की श्रेणी में उसको डालता है कि हाँ, ये पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण के विषय में एक साधारण सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्म और अंड, यानी ब्रह्म का अंड यानी अंडा। पूरा ब्रह्मांड एक अंडे के आकार का है, ऐसा वैज्ञानिक भी कई तथ्यों में बताते हैं कि जिसमें अंदर हम लोग सब विराजमान हैं, एक अंडे की तरह का पूरा ब्रह्मांड है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं जिन पर अभी भी कोई ना कोई खोज चल रही है, अभी कोई रिसर्च चल रही है, और भी बहुत लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग भी इस पर खोज में लगे हुए हैं। तो ये एक साधारण बात है। बाकी हमारे पुराणों में ब्रह्मांड के विषय में बहुत सारी बातें वर्णित हैं, अलग अलग लोगों का वर्णन है, उनके भी अलग अलग ब्रह्मांड हैं। कई बार आपने इन चीज़ों को महसूस किया होगा, समझा होगा, हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो ये तो एक सिंपल सा ब्रह्मांड का अर्थ हो गया। अब ब्रह्मांड पुराण, यानी ब्रह्मांड पुराण की रचना क्यों हुई और इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण में जो साधारण सी बात है कि ब्रह्मांड के विषय में वर्णन तो है ही कि ब्रह्मांड है, लोक हैं, परलोक हैं, इन सब के विषय में वर्णन है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का वर्णन है जो हमें पढ़नी चाहिए। अब सबसे पहले तो ब्रह्मांड पुराण के साधारण से किस पर कितने अध्याय उस पर विषय पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण को तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला पूर्व भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा उत्तर भाग। ये आपको ब्रह्मांड पुराण में ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। पूर्व भाग में 38 अध्याय हैं, मध्य भाग में 74 और इसके उत्तर भाग में आपके 44 अध्याय हैं। तो इन अध्यायों के इर्द गिर्द अपने पूरे ब्रह्मांड पुराण घूमता है। पूरे ब्रह्मांड पुराण की पूरी बातें इसी में डिस्क्रिप्शन है। कई जगह कहा जाता है कि ब्रह्मांड पुराण वायु पुराण की ही एक प्रतिलिपि है, कुछ बातें वायु पुराण से इससे कॉमन मिलती हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। और 18 पुराणों में सबसे अंतिम पुराण है ये ब्रह्मांड पुराण। ये आप इसमें देख भी सकते हैं, कई जगह आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब पुराणों की आप सूची देखेंगे तो आखिरी पुराण ब्रह्मांड पुराण हमको मिलता है, आखिरी पुराण जिसमें हम ब्रह्मांड पुराण देखेंगे, आप लास्ट में लिखा रहेगा। कई जगह ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है कि ऐसे कई पुराणों में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि रजस, तमस और सत्व जो पुराण हैं उनका भी एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है। तो राजस पुराण में ब्रह्मांड पुराण को रखा गया है, शायद इसलिए कि ब्रह्मांड से हर व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड के अंदर वो कार्य करता है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले पर देख लें, इस तरह का डिस्प्ले दिया हुआ है, कई किताबों में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ब्रह्मांड पुराण का एक विस्तार मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिस्प्ले पर जैसे लिखा है। ब्रह्मांड पुराण में इसमें चार पाद हैं, टोटल चार पाद। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुशंग पाद, तीसरा उद्धोत्पाद और चौथा उपसंहार पाद। इसमें जो दो पाद हैं, जो पहले दो पाद हैं वो आपका पूर्व भाग में आता है, और उसके बाद तीसरा पाद जो है आपका मध्य भाग में आता है, और अंतिम जो चौथा पाद है वो आपका उत्तर भाग में आता है। तो टोटल पुराण, तो इस पुराण में लगभग 12,200 श्लोक हैं और ये इसके वर्ण विषय दे दिए गए हैं। इस यह पुराण तीन भागों में विभक्त है। पूर्व भाग जिसमें 1 से लेकर 38 अध्याय, और इसके बाद मध्य भाग में 1 से लेकर 74 अध्याय, उत्तर भाग में 1 से लेकर 44 अध्याय हैं। ये आप इसको देख लें, कुल मिला के इसमें लगभग 156 अध्याय हैं। इसका आंतरिक विभाग भी है और इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 4 अध्याय अनुशंग पाद हैं और 6 से 34 उद्धोत्पाद हैं और 1 से लेकर 74 तक और उपसंहार 1 से लेकर 4 तक ललितोपाख्यान हैं। और नारद पुराण में भी इस पुराण का विवेचन इसी प्रकार से है। नारद पुराण में लगभग 1/10, 1/109/1/3 जिसके अनुसार पुराणों की संख्या इसमें बताई गई है, इसमें जो इस जिसके अनुसार इस पुराण में 12,200 श्लोक हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस पुराण के रचनाकाल के विषय में बात करते हैं। रचनाकाल देखिए डिस्प्ले पर, जैसे कि इसमें दिया है, इस पुराण में अनुसंधानों में पुराण का काल सबसे अर्वाचीन माना गया है। डॉक्टर आरसी हाजरा जी ने अनुसार यह पुराण 325 ईस्वी से 400 ईसा पूर्व की रचना है। डॉक्टर एस एन राय के अनुसार पुराण वर्णित राधा और तांत्रिक प्रभाव के अनुसार इसका रचनाकाल लगभग 1000 ईसा
माना गया है। हो जो भी हो, समस्त पुराण में के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 350 ईसा से लगभग 1200 ईसा तक लिखा जाता रहा है, अथवा यह भी हो सकता है कि यह पुराण 1000 से 1200 ईसा के बीच लिखा गया हो। तो दोस्तों, अपने अपने मत हैं, अपने भी रिसर्चकारों ने अपनी भी रिसर्च की है, मैं किसी की रिसर्च को नकार नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने रिसर्च की है उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो ये रिसर्च है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं आप, इसका और भी अध्ययन कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें मिलेंगी। आगे चलते हैं। जैसा कि हम किसी भी पुराण का अध्ययन करते हैं तो ये किसी गुरु मुख से सुनाई जाती है, जैसा कि इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलता भी है एक जगह कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ये वायु को सुनाया, वायु से धीरे धीरे सुनते सुनते ये फाइनली सूत जी ने कई ऋषियों को सुनाया। जैसा कि आप इसके आप जब पुराण पढ़ेंगे तो सूत जी ने ऋषियों को कहा, तो पूरा ये पुराण जो कहा गया है, बोला गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन पूरा मिलता है। तो ये गुरु की परंपरा है, एक गुरु शिष्य परंपरा है जो हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी। ब्रह्मांड पुराण के विस्तार में जैसे कहा गया कि सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की, फिर उत्पत्ति की ब्रह्मा से, फिर धीरे धीरे पूरे संसार की उत्पत्ति होती चली गई, इस तरह का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसको हम जब बचपन से चीज़ सुनते आ रहे हैं किस कैसे किसकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद अगर ब्रह्मांड पुराण के और आगे जाएंगे तो इसमें कई चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देखिए, सबसे पहले इसमें आपका वंशों का वर्णन मिलता है एक जगह, फिर उसके बाद मनमंत्रों का वर्णन मिलता है कि मनमंत्र किस तरह से मनमंत्र डिवाइड किए गए, वो सभी पुराणों में लगभग मिलता है। और काल मनमंत्र काल जो है आपके 4 32 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन होता है, इसमें एक अलग आंकड़ा दिया हुआ है लगभग, तो उसको भी देख सकते हैं। इसमें क्या 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हज़ार वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन होता है, यहाँ एक डिस्क्रिप्शन हमको थोड़ा सा उससे डिफरेंस मिलता है, जो 4 अरब 32 करोड़ के लगभग लगभग मिलता जुलता है, तो इसके लिए इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल की कोई बात नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन इसमें मिला। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन मिलता है, सबसे पहले स्रोतों का वर्णन मिलता है, अलग अलग देवी देवताओं के स्रोतों का वर्णन इसमें मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा जैसे परशुराम जी भद्रकाली की स्रोत की ललित उपाख्यान, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं के विषय में। फिर उसके बाद और आगे जाएंगे, फिर भगवती ललितोपाख्यान ललिता स्तुति जो है ललिता देवी की, वो उसमें मिलता है। फिर और आगे जाएंगे तो ब्रह्मांड पुराण में वेद को वेदों के शाखाओं का कई परिचय मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में संगीत विद्या का वर्णन मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में नक्षत्र विज्ञान यानी काल विभाजन का वर्णन मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में भूगोल का वर्णन मिलता है। स्वाभाविक है कि ये ब्रह्मांड संबंधित भूगोल का वर्णन तो स्वाभाविक मिलेगा ही। फिर इसमें जैसे भूगोल के वर्णन में आपके दीपों का वर्णन, आपके दीपों का वर्णन मिलता है 6 अध्यायों में, जैसे दिया हुआ है कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमक का कुछ द्वीप, कौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है। आगे और चलेंगे तो ब्रह्मांड पुराण में स्वर्ग नरकों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन मिलता है, कैसे श्राद्ध किस तरह के होते हैं जो अपन गरुड़ पुराण में भी पढ़े हैं इसमें भी मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में व्युत्पत्ति शास्त्र का वर्णन मिलता है कि असुर देवता यजुर्वेद पुराण की क्या व्युत्पत्ति है। इस विषय में यहाँ पे एक व्युत्पत्ति, एक जो किसी भी संस्कृत श्लोक के द्वारा किसी की व्युत्पत्ति कर देना कि कैसे कोई शब्द बना है, किसी व्यक्ति का नाम कैसे बना है, तो व्युत्पत्ति शास्त्र का बड़ा वर्णन मिलता है। इसके अंदर ललितोपाख्यान तो वर्णन है ही, बाद में चतुरंगी सेना के अनेक प्रकार के सेनाओं के धनुषों के तीरों का विवेचन इसमें मिलता है। इसके ब्रह्मांड पुराण में साहित्यिक विवेचन मिलता है, साहित्य काव्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है। और आगे चलेंगे अपन तो ब्रह्मांड पुराण में विज्ञान का वर्णन मिलता है। दोस्तों, विज्ञान का जो वर्णन मिलता है ब्रह्मांड पुराण में, मैं इसके लिए बहुत अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। चाहो तो आप डिस्प्ले पे मैंने आपको दिखा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन को आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद फिर इस पर विश्लेषण करें कि विज्ञान का वर्णन हज़ारों लाखों साल पहले ही खोज हो चुकी है कई चीज़ों की जो आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से पढ़िए, हमारी किताबों में जो वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया हुआ है, जो आज की डेट में जैसे कि इसमें थ्योरी में दिया हुआ डाल्टन्स थ्योरी में परमाणु का जो अध्ययन किया गया, परमाणु की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे पुराने परमाणु के विषय में बहुत पहले ही बता दिया, बहुत कई हज़ारों साल पहले ही उन चीज़ों को बता दिया, इस चीज़ों को नकार नहीं सकता, जैसे कि हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। और उसके बाद परमाणु का अध्ययन करते करते ब्रह्मांड पुराण की, ये पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई किस तरह से, ये सब वर्णन मिलता है। रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि जो रिसर्च लोगों ने की है और जो विश्लेषण किया है, शतरंज तम को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक समानता, एक कोरिलेशन किया गया है, तो वही पढ़ने लायक है, देखने लायक है। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण में कई जगह एकेश्वरवाद का वर्णन मिलता है, एकेश्वरवाद, हालांकि अभी देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड पुराण एक ईश्वरवाद की बात करता है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर परम तत्व को हम मानते हैं, और ये बात हर जगह सिद्ध होती है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, एक ईश्वरवाद की बात सब मानते हैं कि एक ही ईश्वर है इस दुनिया में, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता, इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो
इस चीज का वर्णन ब्रह्मांड पुराणों में मिलता है और तथ्यों पर चाहो आप लोग भी विश्लेषण कर सकते हैं इसकी। सभी स्तुतों में, देवी देवता की स्तुतों में हमको यही मिलता है, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। अगर सब कुछ तुम हो तो सीधी बात है, एक ईश्वर बात को सिद्ध करती है ये सब बातें कि ईश्वर एक है। इसके बाद कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो आप देखिए ध्यान से। ब्रह्मांड पुराण में वर्ण विषय क्या क्या किया हुआ है, कथ्य समुद्देश्य यानी पुराण का अवतरण, रोमहर्ष कुरुक्षेत्र में होना, ऋषियों की सब कहानियाँ जो कथाएँ के माध्यम से बताया गया है। फिर नैमिषिक उपाख्यान में नैमिषारण्य का वर्णन, राजा पूर्ववा की कहानी पूरी दी हुई है इसमें, हिरण गर्भ उत्पत्ति, संसार की रचना कैसे हुई, जल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रकृति पुरुष विवेचन, फिर लोक की कल्पना, ब्रह्मांड परम जीवन की स्थिति, सत्वरज तम की, विष्णु द्वारा अन्य देवता देवताओं की देवों की प्रकृति का कल्प वर्णन एवं कलयुग की व्याख्या इसमें दी हुई है। लोक कल्पन ब्रह्मा विष्णु का अवतारों का वर्णन इसमें दिया है, पृथ्वी का कैसे उद्धार किया, देवी देवता मनुष्यों की उत्पत्ति और विनाश का और अंत के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद पूर्व भाग में अनुषंग पाद जो है उसमें कल्प मनवंतर का व्याख्यान, फिर लोक ज्ञान वर्णन, मानव सृष्टि का वर्णन, फिर रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन, महादेव विभूति वर्णन, ऋषि वंश का वर्णन दिया गया, अग्निवंश का वर्णन, काल सद्भाव, प्रियव्रत वंश का वर्णन, पृथ्वी के आकार और विस्तार का वर्णन। देखिए कैसे पृथ्वी का आकार और विस्तार इन्होंने उस सालों पहले ही इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। भारत वर्ष का वर्णन, भारत के विभाग और निवासी का पर्वत आदि पर्वत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारतवर्ष जो है, ये भारत क्षेत्र कितना पुराना और प्राचीन क्षेत्र है, इस क्षेत्र का यहाँ पे कोडिंग की हुई है हमारे ऋषि मुनियों ने, और कि भारतवर्ष पहले प्राचीन काल से भारत बोला जा रहा है, और ये तो हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और ये पूरा सिद्ध हो चुका है कि हमारा ये देश कितना प्राचीन है। जो कई लोग कहते हैं कि ये पुराना हमारा वैसे ही देश है, सांप सपेरों वाला देश है, कई लोग ये सब न्यूज़ में दिखाते हैं। भारत बहुत संपन्न शुरू से ही रहा है और हमेशा संपन्न ही रहेगा। लोग यहाँ आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो ये भारतवर्ष का वर्णन यहाँ मिलता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो किंग पुरुष देश का वर्णन मिलता है, फिर जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है, प्लक्ष द्वीप का वर्णन मिलता है, अधोलौकिक वर्णन, आदित्य व्यू वर्णन, देवों देवग्रहों का वर्णन, ध्रुवचर्या का वर्णन, ज्योतिष सन्निवेश का वर्णन, नीलकंठ नाम की उत्पत्ति, कैसे नीलकंठ की उत्पत्ति हुई, कालकूट विष के विषय में बताया गया है, लिंग की उत्पत्ति कथन, दारुण वंश का वर्णन, अमावस्या श्राद्ध और पितरों का परिचय, सांख्य वालों का आपका वर्णन, यज्ञ परिवर्तन का वर्णन कि कैसे युग परिवर्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य हैं ये, चतुर्योगों का वर्णन, योग्य प्रज्ञा लक्षणों का वर्णन, फिर आपका ऋषि लक्षण का वर्णन, व्यास शिष्यों की उत्पत्ति का वर्णन, वेद व्यास उपाख्यान स्वयंभू, शेष मनवंतरों का वर्णन, पूर्वंशों का वर्णन, वैश्वत मनवंतर का वर्णन, मध्य भाग में आपका ऋषि सर्ग वर्णन, प्रजापति वंश वर्णन, स्वयंभू त्रिगुण वर्णन, जय अभिवचारण वर्णन, बुद्धकंड की उत्पत्तियों का वर्णन बताया, धनुवंश की कीर्तन, धनुवंश का जो धनु और सिंह के महाबली राक्षस की उत्पत्ति हुई इसके बारे में वर्णन मिलता है, कश्यप के वर्णन, ऋषि वंश का वर्णन, आपका फिर पितृकल्प का वर्णन, पितरों के राज्यकल्प का वर्णन, श्राद्धकल्प की संहिता का वर्णन मिलता है, और आगे जाएंगे श्राद्धकल्प के बारे में यहाँ पे दिए हुए श्राद्धकल्प और सब क्या, परशुराम जी के विषय में यहाँ पे बहुत सारी बातें दी हैं, परशुराम जी की पूरी कथा और कैसे परशुराम जी का और सहस्राजों का युद्ध हुआ, इस बार क्षत्रियों का जो विनाश हुआ है, क्षत्रियों को जो मारा उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद सगर द्वीप का वर्णन मिलता, सगर दिग्विजय का वर्णन, बाकी उसके बाद अश्व विमोचन, सगर पुत्रों के विनाश का वर्णन, कपिल आश्रम जी, गंगा की उत्पत्ति, गंगा का के नाम में लाना, राम गोकर्ण के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है, गोकर्ण आप नाम सुना होगा अच्छी तरह से, फिर व्यवस्थित मनु की उत्पत्ति, फिर गंधर्व मूर्छन के लक्षण, फिर गंधर्व लक्षण, इच्छुआकु वंश का वर्णन मिलता है, यदुवंश, ये सब जगह धन्वंतरी की उत्पत्ति, ये सब जी पुराणों में आपको कॉमन चीज़ें हैं जो इसमें मिल रही हैं, याति वर्णन, कार्तिकवीर अर्जुन की उत्पत्ति का वर्णन, ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, तपोवन दग्ध वर्णन, विष्णुवंश वर्णन, स्तन समाप्ति, विष्णु महात्म वर्णन मिलता है। इसके बाद आप अगर और आएंगे तो उसके नीचे आएंगे तो आप उत्तर भाग में जो दिया प्रलय का आख्यान, शिवपुर का वर्णन, शिव जी का पुर कैसा, शिव जी का जो स्थान है वो कैसा है, प्रतिष्ठा का वर्णन, ब्रह्मांडात्मक वर्णन, ब्रह्मांड के जो कैसे ब्रह्मांड की ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई सब उसका वर्णन यहाँ मिलता है, जो आप इस ब्रह्मांड प्राण की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद अगस्त यात्रा, जनार्दन भाव, हिंसादि रूप का कथन, किस तरह की हिंसा, इस्ते पान कथन, इसके बाद अगम्य और आगामादि का प्रायश्चित का वर्णन, फिर देवासुर अमृत का मंथन के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है।
और इसके बाद मोहिनी का प्रकट होना, देवासुर मल्कासुर का वध, इसके बाद भंडासुर की कहानी यहाँ दी हुई है, भंडासुर की उत्पत्ति, फिर ललिता और प्रादुर्भाव कि भगवान शिव ने कैसे ललिता की ललिता ललिता का प्रादुर्भाव हुआ, जी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद आपके ललिता देवी की स्तुति, ब्रह्मा विष्णु देवताओं ललिता की शक्ति की आदि स्तुति करना, ये वर्णन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से पूरी एक ब्रह्मांड पुराण चौखंबा और अलग से ललिता उपाख्यान जो है अलग से छापा हुआ है, अलग से लोग उसको पढ़ते भी हैं, परचेस भी करते हैं और पढ़ते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है वो ललिता उपाख्यान। उसके बाद सेना सहित विजय यात्रा, महादेवी शंकर विवाह सब वर्णन, फिर भंडासुर की कहानी, ये सब वर्णन दिया हुआ है, भांड पुत्र वध, गणनाथ पराक्रम वर्णन, भंडासुर का वध, फिर पूरा और आगे जाएंगे आप, पूरा आपको ललित उपाख्यान पूरा मिलेगा। फिर विद्यापति उपासना, देवी पूजा मुद्रा, अशी देवी पूजन दीक्षा कथम, देवी पूजा का वर्णन। दोस्तों देवी यानी प्रकृति है, देवी की पूजा का वर्णन एक पूरा ललित उपाख्यान जो है महादेवी के विषय में इसमें दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो देवी के संबंधित भी एक पुराण है जिसमें ललितोपाख्यान के अंदर देवी जी का संपूर्ण वर्णन मिलता है, तो ये लोग आपको पढ़ना अब चाहिए। दोस्तों अब आप बात करते हैं कि हमें किस प्रकाशन का ये पुराण पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे पास जो ये पुराण है, ये ब्रह्मांड पुराण चौखंबा श्री ऑफिस वाराणसी का है। इसके जो लेखक के संपादक अनुपात प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान जी हैं। ये दो भागों में आती है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, इसी में मध्य भाग भी है, और हालांकि दो पार्टों में ये निकलती है, तो ये आप देख सकते हैं। ये इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण खेमराज प्रकाशन की भी आती है, यानी वो भी मिलती है पर बहुत रेयरली मिल पाती है, और इसके अलावा मूल मात्रा आपको काफ़ी मिल जाएंगी। ये जो किताब है आपकी आपके ब्रह्मांड पुराण, इसकी कॉस्टिंग लगभग 1600 रुपये है, दो सेट में आती है, तो ये आपको मैं दिखाई दिया कॉस्टिंग, तो आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेंकटेश्वर प्रेस वाले में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण इंग्लिश में भी प्रकाशित होता है, इंग्लिश में आपका जो देखेंगे तो ये ब्रह्मांड पुराण जीवी तकाड़े का आता है, और लगभग लगभग इसमें एरोटिक इंडिया पे इसका एक ऑनलाइन ये मिलता है, और ये लगभग आपको 4 खंडों में ये पुराण मिलेगा, जो इंग्लिश में पढ़ने के शौकीन है इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो और इसके अलावा ब्रह्मांड प्राण बाकी गीता प्रेस में नहीं आता, अभी मैंने विद्या प्रेस का मुझे दिखा नहीं कहीं, अगर दिखेगा मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बाकी आप ब्रह्मांड प्राण मंगा सकते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा, आप चाहो तो चौखंबा वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वेंकटेश्वर व्यास के लिए इससे मंगाना है तो आप एरोटिक इंडिया से आप मंगा सकते हैं या अमेजोन से मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों और जैसे कि दिलवीर सिंह चौहान जी ने जिस दिखाया किताब को, और बाकी इस ब्रह्मांड पुराण में जो आपका सबसे निम्नला हिंदी वैज्ञानिक विमर्श श्लोका सहित ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तथ्यों के आधार पर इन्होंने रिसर्च करके ये किताब निकाली है, तो आप ये किताब मंगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार मैं फिर कोई नया पुराण या नई किताब या ना कोई नई जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।